स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा खान। अररिया नगर थाना क्षेत्र के सिसोना वार्ड संख्या 1 में बीती रात मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उसे बुरी तरह पीटा जिससे वह अधमरा हो गया और सुबह में उसकी मौत हो गई। इधर युवक की मौत से उसके परिजन सदमे में हैं। घटना की सूचना मिलने पर अररिया SP हृदयकांत, SDPO पुष्कर कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। SP ने बताया कि शनिवार की रात सिसोना में मोबाइल चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। टांग थाना अंतर्गत सिसोना नामक गाँव में मोहम्मद महरन नामक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना मिली थी। जब पुलिस वहां छानबीन के लिए पहुंची तो पता चला कि वहां पे कुछ स्थानीय लोगों ने उसे घर में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे की छानबीन में पता चला कि वह जो मृतक था उस घर में चोरी की नीयत से घुसा था। वहां पे लोगों ने उसे पकड़ के उसके साथ हाथापाई की थी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की छानबीन जारी है। क्या लगता है सर कि वो चोर सही में चोरी करने गया था या मॉब लिंचिंग का मामला है? तो आगे की छानबीन से स्पष्ट हो पाएगा। अभी तो घटना के जैसे सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई की गई है। घटनास्थल पे अनुसंधानकर्ता आगे छानबीन करेंगे तो पता चलेगा। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भागवतपुर काशी चौक मिर्जापुर में अपराधियों ने 2 किसानों की बुरी तरह पिटाई की और अगवा कर लिया। किसानों की पहचान महेश यादव और सुनील यादव के रूप में हुई है। दोनों खेत में उड़द की फसल बोकर लौट रहे थे, उसी वक्त घात लगाए अपराधियों ने दोनों पर गोली चलाई और फिर बुरी तरह पीटा। घटना के प्रत्यक्षदर्शी रतन कुमार ने बताया कि दोनों किसान उनके चाचा हैं। कटिहार SP विकास कुमार ने कहा कि फिलहाल दोनों किसान लापता हैं। उन्हें बरामद करने के लिए NDRF की टीम दियारा में तलाशी अभियान चला रही है। महेश यादव रिटायर्ड फौजी हैं। दोनों किसानों के दियारा क्षेत्र से अपहरण की घटना को लेकर इलाके में खौफ का माहौल है। भागवतपुर काशीचक मिर्जापुर दियारा के सीमान पर महेश यादव और सुनील यादव कलाई का फसल छीटने गए थे जिस क्रम में गोलीबारी हुई है और महेश यादव और सुनील यादव मिसिंग हैं। इस संबंध में पुलिस की कार्रवाई चल रही है और दोनों व्यक्ति जो मिसिंग हैं उनको खोजने का प्रयास भी किया जा रहा है। NDRF को भी बुलाया गया है। दियारा क्षेत्र गंगा नदी को पार करके है और चारों तरफ गंगा नदी से घिरा हुआ है, तो NDRF की भी मदद ली जाएगी। पूर्णिया के बायसी और अमोर थाना क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में जनता हाट गरिया मोड़ पर शनिवार की रात अपराधियों ने एक यात्री बस पर हमला कर दिया। इस हमले में बस का शीशा चूर चूर हो गया। जानकारी के मुताबिक बस किशनगंज से पटना जा रही थी। स्थानीय नेता अबू सलाम ने बताया कि कुछ बदमाशों ने बस पर हमला कर यात्रियों से लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन बस ड्राइवर की सूझबूझ से बदमाशों की मंशा पर पानी फिर गया। इस घटना को लेकर पुलिस के बयान में विरोधाभास देखा जा रहा है। बायसी थाना प्रभारी सुनील कुमार सुमन ने कहा कि उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया लेकिन उन्हें वहाँ लूट की कोशिश करने की वारदात की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ मंचलों ने बस के शीशे पर ईंट मारी थी लेकिन इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र सुनसान है, इसलिए अब वहां चौकीदार की ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। अररिया के जोकीहाट के भगवानपुर गांव में शनिवार को ट्यूशन पढ़ने गए 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बच्चे का नाम आसियान नैयर है। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के परिजनों को फ़ोन कर 30 लाख रुपए फिरौती की मांग करते हुए पुलिस को सूचना देने पर बच्चे की हत्या करने की धमकी दी। बच्चे के पिता ने हिम्मत करते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दबिश दी तो बच्चे को नगर थाना के ककोड़वा के समीप छोड़कर अपराधी फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। उसका नाम मंटू मामा है। SP ने कहा है कि मंटू का बच्चे के घर पर आना जाना था, वहीं मंटू मामा ने खुद को निर्दोष बताया है। सिलीगुड़ी महकमा के खोरीबाड़ी में भारत नेपाल सीमा से नेपाल में प्रवेश करते समय SSB की 41वीं नंबर बटालियन के जवानों ने एक चीनी नागरिक को पकड़ा है। SSB ने आगे की कार्रवाई के लिए उसे खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि युवक का नाम लोबसंग न्यूमा है। उसके पास से भारतीय आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, चीनी नागरिक का पहचान पत्र, 35,690 रुपये की भारतीय करेंसी और 83,100 रुपये की नेपाली करेंसी बरामद की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति के कर्नाटक के एक बौद्ध मठ से जुड़े होने की बात सामने आ रही है।
किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 65 वर्षीय महिला से हुए दुष्कर्म के आरोपित को फांसी की सजा देने की मांग पर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। कोचाधामन प्रखंड के जनता हाट में किशनगंज बहादुरगंज मुख्य सड़क मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस जांच में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। उनकी मांग है पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषी को जल्द सजा नहीं मिली तो जिला मुख्यालय पहुंचकर वे नेशनल हाईवे पर जाम करेंगे। प्रदर्शन की खबर पाकर कोचाधामन थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर रोड खाली कराया। बता दें कि पुलिस ने आरोपित युवक को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। SP कुमार आशीष ने भी विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया है। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि 5 अक्टूबर को पूर्णिया में पहली बार हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आकर सरकार से एयरपोर्ट चालू करने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने बीते 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चले 15 दिनों के हस्ताक्षर अभियान में 10,101 लोगों के हस्ताक्षर लिए और उन्हें हाईकोर्ट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया। अब मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 5 अक्टूबर को प्रतिकार मार्च निकालने का निर्णय लिया है। इसके तहत पूर्णिया के शहरी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए ये मार्च समाहरणालय पूर्णिया परिसर पहुँचेगा। समाहरणालय में पूर्णिया को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसमें पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण व अन्य लंबित कार्यों में तेजी लाने की अपील की जाएगी। इसके बाद समाहरणालय से ये मार्च गिरजा चौक होते हुए गांधी मूर्ति तक जाएगा, जहां मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। कटिहार के बरमसिया स्थित विषहरी मंदिर प्रांगण में 2 दिनों तक चलने वाला बहुला विषहरी गीत का गायन चरम पर पहुँच चुका है। विषहरी गायन नाल, मंजीरे व करताल की धुन पर गीत गा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दादा परदादा के जमाने से ही विषहरी गीत गायन की परंपरा चलती आ रही है। कटिहार जोगबनी रेलखंड के पूर्णिया गेट के निकट शंटिंग करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। हैरानी की बात यह है कि रेलवे को सूचना देने के बावजूद रेलवे की तरफ से कोई भी कर्मचारी जख्मी व्यक्ति की मदद करने नहीं पहुंचा, बल्कि स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटिहार के गढ़बेली गांव में पागल कुत्ते के आतंक से लोग परेशान हैं। रविवार को पागल कुत्ते ने 6 लोगों को काट लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी पागल कुत्ते ने पीछे से आकर काट लिया। जख्मी लोगों को इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रविवार होने की वजह से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। लोगों ने स्थानीय चिकित्सकों की मदद से इंजेक्शन लगवाया। किशनगंज के बहादुरगंज नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई में पोस्ट कार्ड भेजने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अररिया के सांसद प्रदीप सिंह व पूर्व विधायक अवध बिहारी सिंह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव और तहसीन अली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @ मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।